गाइज, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बेस्ले ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर एलोन मस्क अपनी संपत्ति का 2% भी यूएन को दान में दे दें, तो दुनिया भर से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। और फिर क्या था, इस बयान के बाद एलोन मस्क ने भी इस बात का जवाब बड़े बेबाक अंदाज से दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुझे ये समझा सके कि वो कैसे दुनिया भर से भुखमरी की समस्या को खत्म करेंगे, तो वो तुरंत टेस्ला कंपनी के 6 अरब डॉलर्स के शेयर बेचने को तैयार हैं। गाइज, एलोन मस्क का ये बेबाक अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइज, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हाँ गाइज, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी माँ के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। 2 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस का मार्क इंडिया में क्रॉस हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे हेल्थ वर्कर्स की वजह से। स्पेशल थैंक्स उन सभी ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्सेस को, जिन्होंने गांव-गांव जाकर इस काम को अंजाम दिया। उन्हीं में से एक ANM है अनीता, जो कि अपने बच्चे को गोद में लेके कई किलोमीटर चल के गांव-गांव जाके लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। इन सभी हेल्थ वर्कर्स को दिल से सलाम है। गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी असेंबल चीज के छोटे पार्ट से लेके बड़े पार्ट के ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है जहां पर वो चीज बनाई गई है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन US, मेड इन कोरिया, ये आपने सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती हैं या स्पेस प्रोग्राम्स में यूज की जाती हैं, उसमें क्या लिखा होता है, क्या उस पर भी किसी कंट्री का नाम लिखा होता है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उस पर भी मेड इन US, मेड इन इंडिया लिखा होता है, तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली जो चीजें स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। यस गाइज, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन। और ये चीज नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी 2005 से इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे 4 माइथोलॉजिकल कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से भी हम दीपावली के पर्व को मनाते हैं। पहला कारण, इसी दिन महाभारत के पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास के बाद अपने राज्य लौटे थे। दूसरा कारण, इसी दिन कार्तिक अमावस्या को राजा विक्रमादित्य का राज्य अभिषेक हुआ था। तीसरा कारण, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। और चौथा कारण, इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने इस सृष्टि में अवतार लिया था। गाइज, क्या आप इसके अलावा कोई और माइथोलॉजिकल कारण जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, अगर आप लोगों को भी स्पेस में मेरी तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। गाइज, क्या आप लोगों ने कभी इरोज एस्ट्रॉइड के बारे में सुना है? नहीं सुना, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इरोज एस्ट्रॉइड हमारी धरती के पास एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसमें नासा के अनुसार 2000 करोड़ टन गोल्ड, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, 2000 करोड़ टन गोल्ड छिपा हुआ है, और उसके अलावा इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और एल्यूमिनियम उस पर छिपा हुआ है। मजे की बात यह है कि 1898 में इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी और सन 2000 में नासा ने अपने एक स्पेस शिप का इस पे सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया था, और इन फ्यूचर नासा इस पे माइनिंग की प्लानिंग भी कर रहा है। बॉलीवुड के बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी को देखते ही प्यार हो गया था, पर मजे की बात ये थी कि जिस कंपनी में वो काम करते थे उनकी पत्नी उसी कंपनी के बॉस की बेटी थी। फिर भी परेश रावल डरे नहीं और उन्होंने ठान लिया कि शादी करूंगा तो इसी के साथ, और उन्होंने वही किया। गाइज, आपको परेश रावल की ये दीवानगी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।